हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों को लेकर सभी पार्टियां मंथन कर रही हैं, लेकिन टिकटों के दलाल भी घूम रहे हैं जो टिकटों को दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। हरियाणा से सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे दो गिरोहों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। सावधान, हरियाणा में टिकट के दलाल घूम रहे हैं। अगर विधानसभा चुनाव में टिकट पाना है तो ये दलाल दावा कर रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी का टिकट दिला सकते हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये दावा खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। जरा सुनिए किस तरह से सीएम टिकट के दलालों से बचने की सलाह दे रहे हैं। सर, आपने एक चीज कही है कि कई टिकटों के दलाल फिर रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी गंभीर बात है और हमने दो ग्रुप ऐसे पकड़े हैं, दोनों के खिलाफ FIR हुई है, कार्रवाई की गई है। वो लोग कुछ भी अपना परिचय बता करके और ऊपर के नेताओं के साथ संबंध बता करके और फोन करते थे कि भी आप लोग हमारा कुछ पैसा हमको दीजिए, आपकी टिकट करा देंगे, ये करेंगे। जैसा एक लालच दिया जाता है वैसा लालच देते हैं, और जो लोग समझदार होते हैं वो सब समझ जाते हैं कि इस प्रकार पैसों से यहाँ कोई टिकट मिलती नहीं है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति सामने वाला ऐसा होता है कि जिसको लगता है शायद ऐसे को काम बन जाए तो कहीं कहीं वो फंस भी जाता है, और ये विषय ऐसे सारे विषयों में कई बार सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। टिकट के लिए सभी पार्टियों में मारामारी मची हुई है। एक एक सीट पर कई कई दावेदार हैं। बीजेपी में तो एक सीट पर 15 से 20 दावेदार हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ टिकट के लिए आपाधापी है, यानी टिकट के तलबगारों की कमी नहीं है और इसी का फायदा दलाल उठाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दलालों के दो ग्रुप पकड़े गए हैं और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है। दो ग्रुप ऐसे पकड़े हैं, दोनों के खिलाफ FIR हुई है, कार्रवाई की गई है। वो लोग कुछ भी अपना परिचय बता करके और ऊपर के नेताओं के साथ संबंध बता करके और फोन करते थे कि भी आप लोग हमारा कुछ पैसा हमको दीजिए, आपकी टिकट करा देंगे, ये करेंगे। जैसा एक लालच दिया जाता है वैसा लालच देते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या टिकट बिकते हैं और टिकटों के दलाल क्या इसकी बोली लगाते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आनंद टीवी के लिए करनाल से कमरजीत सिंह की रिपोर्ट।